नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बंगाल कॉन्क्लेव में। मैं हूं आपके साथ आशा झा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और दक्षिण में शाइनी घोष, आसनसोल दक्षिण में शाइनी घोष और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। यही अंदर भी मैं सुन रही थी, शाइनी कितना प्यार मिल रहा है, आपको क्या लग रहा है? लग रहा है प्यार तो मिल रहा है यहाँ पे लोगों का। जो आपको लग रहा है वही दिखाइएगा दर्शकों को, है ना। आज मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पे, बहुत पहले से आने की चाह थी पर नहीं आ पाई। आज पहली बार आई और जो वेलकम मिला है बस लग रहा है कि ये पे बस जाऊं। अच्छा, ये जगह एक खास खूबी है इस जगह की, ये वो जगह है जहाँ आने के बाद बाबुल सुप्रियो फर्श से अर्श तक पहुंच गए। हाँ। अब ये दूसरा नंबर हम साइनी का देखने वाले। अब देखिए, सवाल ये उठता है कि बाबुल सुप्रियो यहाँ पे आए और वो आपने जो बोला कि शुरू से लेके एकदम वो हिट हो गए यहाँ पे, लेकिन प्रश्न जो उठता है वो उसके बाद कितनी बार आए, वो होता है प्रश्न मेन। तो वो तो आपको पता चल जाएगा, उसमें मैं घुस नहीं रही हूँ, लेकिन उनके साथ मेरी कोई तुलना नहीं है। वो अपनी जगह में है, मैं अपनी जगह में हूँ। मुझे यहाँ पे ममता बनर्जी ने भेजा है, बहुत सारे भरोसे के साथ भेजा है, क्योंकि इस बार की लड़ाई थोड़ी सी मैं कठिन नहीं बोलूंगी, क्योंकि ये सारे तो ममता बनर्जी के सैनिक हैं और उनके सैनिक के लिए कभी कुछ कठिन नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। लेकिन इस बार लड़ाई थोड़ी सी डिफरेंट है, मैं बोलूंगी तो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इन लोगों के पास जब आई हूँ, दीदी को पता है कि आई नेवर लेट हर डाउन, और इनका प्यार मिल रहा है तो लग रहा है कि हाँ चलो शायद मुझको भी ये मौका दे ही देंगे इनके लिए कुछ करने का। अच्छा, मैं अभी अंदर सुन रही थी, आप कह रही थी बांग्ला बांग्ला ही रोबे, यही भूमि ते खेला होबे, राइट? के माने की आप बांग्ला में आई है रिपोर्ट करने, अगर आपको नहीं पता होगा कैसे होगा, मतलब मेरा बंगाल बंगाली रहेगा और फिर यहाँ पे खेल होगा। अब आप पूछेंगे कि खेल, हाँ, क्या, खेल होगा? क्या होगा, तो आपको सुन के क्या लगता है कि खेल क्या हो सकता है, बोलिए। अगर मैं आपको बोलती हूँ आशा जी कि खेला खेला होबे, तो आपको सुन के क्या लग रहा है ये मुझे बताइए। ये अभी भी बड़ा प्रश्न है, इतने ये ऐसा स्लोगन है कि इसको टीएमसी से निकला, बीजेपी ने भी अपना लिया। अब सोचिए, अब बीजेपी की बात यह है कि जो परिवर्तन बात है वो ममता बनर्जी ने 2011 में बोला था कि परिवर्तन पौड़ी वर्तो राज पे, तो ये भी बीजेपी ने ले लिया। अब बीजेपी ने जो ममता बनर्जी के नेता है, जो लीडर है, उनको भी ले लिया, तो बीजेपी के पास अपना कुछ है नहीं, वो सब ले लेते। अभी उन्होंने देखा कि खेला होबे, ऐसे भी लोग बोलते हैं दादा खेला होबे, मतलब खेल होगा। अब इसको आप जैसे भी चाहे इंटरप्रेट कर सकते हैं, आखिरी में खेल होगा या कि नहीं, जो खेला चल रहा है, खेला चल रहा है। और हम लोग, मैं तो बार बार बोल रही हूँ कि बदला लेंगे या गोली मारो, ये सबसे तो बेहतर सुनने में लगता है ये खेला होबे। तो बस यही बात है, बीजेपी को लगा कि चलो हमारा स्लोगन तो काम नहीं कर रहा है तो खेला होबे काम कर रहा है, इसको ले लेते, सब उधार का ही है उनका। अच्छा, जब आप इधर आई हैं और मैं भी जब आ रही थी, मैंने देखा ग्रामीण परिवेश, और जैसा इस वक्त मैं देख पा रही हूँ आप भी ग्रामीण परिवेश में यहाँ पर लोग रहते हैं, समस्याएं बहुत हैं जी। 10 साल टीएमसी ही थी वापस बनर्जी जी, और अब आप ऐसा ही करें, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। लेकिन 10 साल का विकास पे नजर क्यों नहीं आता? नहीं, काफी नजर आएगा। 10 साल पहले अगर आप आती तो शायद आप घुस भी नहीं पाते इस इलाके में, तो ये बात दिमाग में रखनी चाहिए। अब देखिए, मैंने एक बार सुना था बीजेपी के एक एमपी ने बोला था कि 9 साल में बच्चा हो सकता है लेकिन बच्चे का बच्चा तो नहीं हो सकता, है ना? सही बात है, हो सकता है, नहीं हो सकता ना, तो बात वही है, विकास विकास की तरह चलेगा। तापुष बनर्जी जी ने काफी काम किया है, अब मेरे पास यही चैलेंज है कि उन्होंने जितना काम किया है इधर मैं उतना कर सकूं या उससे ज्यादा कर सकूं। मैं उतनी माहिर नहीं हूँ, आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, मैं अभिनेत्री हूँ, अभिनेत्री थी बोलूंगी, अब तो नहीं हूँ, बहुत दिन हो गए, लेकिन पर अब आई हूँ तो एक मकसद लेके आई हूँ, अगर लोगों ने मौका दे दिया मुझे तो काम करेंगे, जम के काम करेंगे। अच्छा, क्या है एजेंडे में, क्या क्या काम प्राथमिकता में है? यहाँ पर बहुत महिलाएं भी हैं, महिला सुरक्षा। देखिए, महिला सुरक्षा में तो मैं बोलूंगी कि जो यूपी से आके बोलते हैं कि यहाँ पे महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उसको लेके अलग थीसिस लिखना चाहिए, क्योंकि महिलाएं यहाँ पे अगर आप तुलना करें तो काफी सेफ है। और महिलाओं के बारे में ममता बनर्जी का एजेंडा हमेशा स्ट्रांग है, अभी रिप्रेजेंटेशन भी आप देखेंगे तो महिलाओं को ज्यादा चांस मिलता है। और यहाँ पे जो हमारे मेल है ना, जो हमारे दादा है, जो भाई है, हमारे जो दोस्त है, वो हमसे बहुत प्यार से, प्रीत से हमको ऐसे संभाल के रखते हैं, तो उनके साथ भी किसी और की तुलना होती नहीं। पर यहाँ पे आई अंडरस्टैंड, बट एमएलए इलेक्शंस आर बेस्ड ऑन लोकल इश्यूज, कि यहाँ पे बिजली, सड़क, यू नो, रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, तो ये सब है एजेंडा। मैं पहली बार आज आई हूँ, लोगों से बात करूंगी, उनसे मिलूंगी, और अगर मौका मिल जाए तो आगे जाके उनकी जो समस्या है उनको समाधान करने की कोशिश। आजादी का 75वां वर्षगांठ, उसको मनाने की अलग अलग पार्टियां अलग अलग तैयारी कर रही हैं, और फिर जब आप आते हैं और आपको मिट्टी का घर नजर आता है, टूटी सड़कें नजर आती हैं, लोग अब भी खाना बनाते हुए वो
तो ये नहीं सिर्फ बंगाल की बात है, नहीं हर जगह 75 साल तो मतलब भारत का शादी में लगा, ये तो बंगाल का 75 साल नहीं है ना, बंगाल प्रभुत्व लोगों का है ना। तो अभी ये तो पीएम को भी पूछना चाहिए कि 75 साल हो गए हैं प्रधानमंत्री जी, क्यों लोग अभी ये कर रहे, तो ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि ममता बनर्जी के रहते हुए विकास हुआ है और आगे जाके जितना बाकी है वो भी हो जाएगा। सही सही लोगों को काम मिलना चाहिए और इंसान वो हमेशा मुझे बोलते कि शाइनी जाके पहले लोगों का दिल जीतो, वोट ऐसे ही जीत जाओगी, है ना। तो प्यार रहेगा, भरोसा लगता है। नहीं देखिए, अब ये मेरा कोई एक्टिंग क्लास नहीं चल रहा है कि मैं आके सबका दिल जीत रही हूँ। मैं जैसे हूँ मैं वैसे आती हूँ, लोग मुझे अपना लेते हैं, ये मेरी किस्मत है। तो अब ये तो वोट में समझ में आएगा कि कितना इन्होंने मुझको विश्वास किया है, लेकिन के चेहरे की जो हंसी है देख के मुझे लग रहा है कि हाँ मुझे अपनाने के लिए ये सब तैयार है। अच्छा, ये तैयारी टीएमसी में आने की पहले से थी या फिर नहीं? क्योंकि 2 महीने पहले ममता बनर्जी ने आपका बचाव किया था, आपका जिक्र करते हुए। वो तो क्या, अभी वो तो उनका नेचर है, वो तो नेचर है, यही तो एक्सपेक्ट करना चाहिए कि एक मुख्यमंत्री के पक्ष से जब जाके मैं एज ए अभिनेत्री एक बात करती हूँ और मेरे ऊपर जानलेवा मतलब धमकी आती है और बहुत कुछ आती है, तो आगे जाके मुख्यमंत्री कम्स एंड शी ट्राइज टू सेफ गार्ड मी। सो उन्होंने अपनी जगह से बोला था और फिर हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे लीडर्स है जो अपने सुविधा के लिए, जो अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने को बचाने के लिए बीजेपी में जा रहे हैं, तो उन्होंने सोचा था कि ममता बनर्जी अकेली पड़ जाएगी। तो अब कोई आएगा, कोई जाएगा तो कोई आएगा, पुराने जो थे वो गए तो अब नए लोग आ रहे हैं और जो रहने वाले हैं वो हमेशा रह जाएंगे चाहे जो भी कर लो, है ना दादू क्या हो गए। अच्छा, टीएमसी क्यों, बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी क्यों, टीएमसी क्यों नहीं, आप बताइए मुझे, ये मेरा सवाल है। मतलब मैं हम टॉलीवुड में तमाम स्टार्स को देख रहे हैं, टॉलीवुड ऐसा लग रहा है कि बीजेपी कोई टीएमसी नहीं, नहीं। अब ये उनकी पर्सनल बात है किसको बीजेपी में जाना है, क्योंकि मेरे लिए तो बंगाल मतलब अभी तक ममता बनर्जी का कोई अल्टरनेटिव मुख्यमंत्री, आप किसी से भी पूछ लीजिए कि आप मुख्यमंत्री हिसाब से ममता बनर्जी को छोड़ के किसको सोचती है, एक जवाब मिल जाए तो मुझे बता दीजिए। तो फिर 200 प्लस का नारा बीजेपी का आपको क्या नजर आता है? उनका सब कुछ नारेबाजी में ही जाता है जैसे मैंने बोला, तो अभी वो बोलने की बात है, काम में अगर आप देखें तो संगठन नहीं है, लोग के अंदर जाए तो उनसे पूछे तो उनको पता ही नहीं है। तो ठीक है, पैसे हैं, पावर है, एक सेंट्रल का पावर रहता है, नेशनल पावर और पैसा रहता है, वो हवा है और हवा जो है हवा चलती रहती है, लेकिन हवा आपको छूती है और चली जाती है। एक फिल्म अभिनेत्री को लोग गंभीरता से क्या ले रहे हैं या लेते हैं, क्योंकि मैं आपको एग्जांपल्स कुछ ऐसे, आप खुद भी जानती हैं बखूबी ऐसे तमाम स्टार्स जो कि कई ऐसे जो आए और गए, कुछ ने बहुत अच्छा काम किया। एक तो मोटिवेशन आपको ऐसे में क्या कोई स्टार देता है जिनकी तरफ आप आगे काम करना चाहती हैं? नहीं, कोई स्टार मुझे, कोई स्टार मुझे पॉलिटिक्स में आने की मोटिवेशन नहीं देता है। नहीं देता। मैं एज एन एक्टर अगर कोई अच्छा एक्टिंग करता है तो मुझे लगता है ओके आई कैन ट्राई एंड बी लाइक हर, लेकिन यहाँ पे अगर किसी ने मोटिवेशन दिया है कि आगे बढ़ो काम करो, वो एकमात्र हमारी नेत्री है, हमारी लीडर है ममता बनर्जी। आप यूथ है इसलिए मैं सवाल आपके सामने, हम सब जानते हैं परिवारवाद जो है ना, नेपोटिज्म जो कि बॉलीवुड में, आप ऐसे टॉलीवुड इंडस्ट्री से आती है, ये नेपोटिज्म शब्द जो है ये बहुत खराब शब्द है एक तरीके से, बड़ा खराब में नहीं बोलूं ना, ठीक है नेपोटिज्म बोल के एक शब्द है हाँ। हाँ, लेकिन क्योंकि जहाँ जहाँ रहता है वो दूसरों का हक मारता है, ये चाहे वो बॉलीवुड की बात कर लें, टॉलीवुड की बात कर लें, चाहे चाहे राजनीति में हम बात कर लें। अभिषेक बनर्जी, हमारे होम मिनिस्टर के बेटे के बारे में भी बात कर लीजिए फिर आप। नहीं, क्योंकि मैं आपसे बात कर रही हूँ इसलिए मैं तृणमूल का ही मुद्दा आपके सामने। इसमें क्या है, वो अपना एमपी है, वो काम कर रहे हैं अपना अभिषेक बनर्जी, अभिषेक बनर्जी ऐसा क्या कर लिया अभिषेक बनर्जी, और ईडी का शिकंजा आपने। ममता बनर्जी को जब तक आप छू नहीं सकती है ना, तो उनके चारों तरफ जो जो लोग सबको आप छूने की कोशिश करेगी। अगर आप नेपोटिज्म परिवारवाद के बारे में बोलती है तो पहले आप देखिए जो सेंट्रल के मिनिस्टर्स हैं उनके घर में किन किन को क्या क्या पोस्ट मिला है, शुभेंदु अधिकारी सरजी जो हैं उनके घर में किन किन को क्या क्या पोस्ट मिला है, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। आपको लगता है ये चीजें दरकिनार रहेंगी? इन चुनाव में कोई मसला नहीं है, चाहे अभिषेक बनर्जी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगे, बीजेपी का आरोप लगे। नहीं, कुछ है नहीं, उनको आना है, वो कोशिश कर रहे हैं, लोगों में विभेद सृष्टि कर रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं, लेकिन जब तक ममता बनर्जी यहाँ पे, मुझको बता दीजिए कि सीएम कैंडिडेट कौन होने वाला है बीजेपी से, आप देखेंगे तो एमपी के कैंडिडेट जो है एमपी लोगों को एमएलए की सीट दे रहे हैं, इनके पास कैंडिडेट नहीं है, कुछ है नहीं, सब दीवार पे अब जब जाएंगे तो देखेंगे कि कैंडिडेट का नाम नहीं है, फूल लगाया हुआ है कि बीजेपी को वोट दो, बीजेपी को किसको वोट दे, वोट किसको दे, कैंडिडेट नहीं है आपके पास, झगड़ा कर रहे हो बीच बीच में, खुद यहाँ पे आग जल रहा है, वहाँ पे टायर जल रहा है, यहाँ पे विक्षोभ हो रहा है वहाँ पे, तो आप क्या बता क्या रहे हैं मुझे। ये सब बंगाल की जनता बहुत स्मार्ट है, ये पब्लिक है, सब जानती है, इसीलिए मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, यही पब्लिक है जो
टीएमसी बीजेपी में जब जब झड़पें होती हैं, माहौल खराब हुआ है, आप ये तो मानेंगी? माहौल क्यों खराब है? वो भी का माहौल 2019 से ज्यादा खराब हुआ है, जब से लोकसभा में बीजेपी आई है उन्होंने माहौल खराब किया है। क्या है कि नहीं बोलिए मुझे? इसके पहले भी इलेक्शन यहाँ पे होती थी, यहाँ पे लेफ्ट था, कांग्रेस था, इतना माहौल खराब होता था? सोशल मीडिया देखिए, भाषा चेंज हो गई है लोगों की। किसने किया है? बीजेपी ने किया है ये सब। तो ये चीजें आप युवाओं के राजनीति में आने के बाद आपको लगता है इससे बदलाव का रास्ता खुलेगा? देखिए मैं कोशिश कर सकती हूँ, अब मेरी एक परवरिश है, मैं एक टाइप की हूँ, अब मेरे जैसे 10 नहीं होंगे, 10 के जैसे मैं नहीं होंगी, मैं अपने तरीके से कोशिश करूंगी। और मैं सच में लोगों से प्यार करती हूँ, मेरे पास कोई ये बड़ा आदमी है, ये छोटा आदमी है, ये इसका ये जाते हैं, वो मेरे मतलब मेरे परवरिश में ही नहीं है मेरी ये सब। तो एक साथ मिलके जुट के काम करेंगे। ममता बनर्जी ने भेजा है, 7 साल का बच्चा भी जो करेगा, 70 साल की बूढ़ी अम्मा भी वही करेगी, एक साथ हम लोग बांग्ला बनाएंगे। और सोनार बांग्ला तो ठीक है, विश्व बांग्ला बनाएंगे, यही बनाना है हमको। आखिरी सवाल, ममता बनर्जी जो है, हमने ये देखा थोड़ा बदलाव दीदी में नजर आया, दीदी पर आरोप तो पहले अपीजमेंट पॉलिटिक्स के लगे, लेकिन बाद में आखिर तक हमने देखा दुर्गा माँ के अनेकों नामों का जिक्र वो रैलियों में करती हैं लोगों के सामने, चंडी पाठ करके निकलती हूँ, बोलने को मजबूर हो गई। तो ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के चक्रव्यूह में ममता बनर्जी फंस गई और शायद खुद को इसलिए हिंदू साबित कर। ये सब बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज है। देखिए अगर ममता बनर्जी माँ दुर्गा का नाम नहीं लेती है तो आप लोग बोलते हैं कि माँ दुर्गा का नाम नहीं ले रही है, अगर लेती है तो बोलते क्या बात है माँ दुर्गा का नाम ले रही है, अगर नंदीग्राम से नहीं लड़ती है तो बोलते क्या हुआ नंदीग्राम से नहीं लड़ रही है, जब लड़ती है तो बोलते क्या बात है नंदीग्राम से लड़ रही है। तो ये सब नैरेटिव ममता बनर्जी, उनको जो जी चाहे, जिनका नाम उनको चाहिए, जो उनका विश्वास है वो बोलेगी, बंगाल का हर इंसान बोलेगा। जय श्री राम से आपको आपत्ति? मुझे क्या आपत्ति है जय श्री राम से, कैसे बोला जा रहा है उसमें आपत्ति है? अगर आप जाके नेताजी के बर्थडे सेलिब्रेशन में जाके आप बोलते हैं नेताजी, जो एक सेक्युलर इंडियन हीरो है, गलत बात है, आप नहीं बोल सकते। ये प्रधानमंत्री जब वहाँ पे बैठा रहता है आप नहीं बोल सकते, ये आप कैसे बोल रहे हैं? मैं अगर आपको बोलती हूँ कैसी है ठीक है तो ठीक है, कैसी है ठीक है, कैसी है ठीक है, तो आप सोचिए इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम, आप भी हंस रही है ना मैडम, तो बात यही है। आप तो ये अंदाज शाइनी का ये अंदाज लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, शाइनी भी डिफरेंट अंदाज भी है, शाइनी ऐसी है जो इन्होंने लोगों ने, जिनको मैं तो बहुत बड़ी स्टार हूँ नहीं, मैं अभिनेत्री हूँ, ठीक है काम किया है, 16 साल की उम्र से काम कर रही हूँ एक फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन जिनको मुझे पता है वो जानते हैं कि मैं ऐसी हूँ, यहाँ पे बैठ के मैं अभिनय नहीं कर रही हूँ, और जब अभिनय करती हूँ वो शूटिंग में करती हूँ। लेकिन लिबास बदल गया पूरा, शाइनी बदली से दिखाई, ये तो कम्फर्टेबल। अभी मेरी मम्मी को बहुत दुख था कि मेरी बेटी साड़ी नहीं पहनती है, अब वो सबसे ज्यादा खुश है कि तो साड़ी पहन रही है, तो मम्मी ने बोला कि देखो कम्फर्टेबल होगा पहनो। दादा आपके हाथ ताली दे रहे हैं कि साउंड चेक कर रहे हैं? अच्छा ओके, तो ये बहुत कम्फर्टेबल हल लाश ना देखते बोले चल बे दो बस। अब मेरी सब माए हैं यहाँ पे, मेरी बहनें हैं, दीदियां हैं सब, उनके जैसे अगर दिखूंगी नहीं तो उनके पास कैसे आऊँ। चलिए बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत शुभकामनाएं आपको, आप जीते और दोबारा आपका इंटरव्यू करने का मौका मिले, और तब फिर जो वायदे हैं वो कितना पूरा कर पाती हैं साइनी, आगे रोड मैप क्या होगा इस पर भी बात। आई ट्राई माय बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो फिलहाल बंगाल नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।